नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना का उत्सव है। नवरात्र में 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है। ऐसे में देश भर के विभिन्न देवी स्थानों में पूजा अर्चना चल रही है। उन्हीं देवी स्थानों में सासाराम का प्राचीन तारा चंडी है, जहां नवरात्र में हर साल लाखों श्रद्धालु मनोकामना सिद्धि के लिए पहुंचते हैं। दरअसल इस प्राचीन तारा चंडी देवी स्थान को लेकर यहाँ के लोगों में अगाध श्रद्धा है। वैसे तो सालों भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ का महत्व काफी बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस देवी की मनोकामना सिद्धि भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्थल पर माता सती का दाहिना आंख गिरा था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जब अपनी पत्नी सती से के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि भयाकुल हो गई थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया था। जहां जहां सती के शरीर का खंडन गिरा, उसे शक्तिपीठ माना गया। सासाराम का ताराचंडी मंदिर भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। वहीं मंदिर के शिलालेख से स्पष्ट होता है कि 11वीं सदी में भी ये देश के शक्ति स्थलों में से एक था। कैमूर पहाड़ी के तलहटी में गुफाओं के कंदरा में बसी देवी की आराधना करने से इच्छा फल प्राप्त होता है। ये शाकाहारी देवी हैं, जो पूरी और हलवा के भोग से ही संतुष्ट हो जाती है और लोगों को मनचाहा वर देती है। इतना ही नहीं, यहाँ दीप दान की भी अद्भुत परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। देवी स्थान पर नवरात्रि में यहाँ लोग अखंड दीप जलाते हैं। हजारों अखंड दीप से पूरा परिसर जगमगा जाता है। पुजारी कहते हैं कि सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की तमाम कामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि महर्षि विश्वामित्र ने इस पीठ का नाम तारा रखा था। यहीं पर परशुराम के सहस्त्रबाहु को पराजित कर माँ तारा की उपासना की थी। इस शक्ति पीठ में माँ तारा चंडी बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। यहीं पर चंड का वध कर चंडी कहलाई थी। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए यहाँ की कमेटी 24 घंटे तत्पर रहती है। सुदूरवर्ती इलाके में अवस्थित होने के कारण यहाँ की विधि व्यवस्था के लिए प्रशासन भी पहल करती है। बता दें कि पूरे नवरात्र चलने वाले भंडारे में श्रद्धालु भी भोजन करते हैं, साथ ही दूरदराज से आने वाले भक्तों के लिए मंदिर परिसर में ठहरने की भी व्यवस्था है। कैमूर पहाड़ के कंदरा में स्थित देवी की अद्भुत प्रतिमा का दर्शन करने से ही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर कमेटी के लोग भी भक्तों के स्वागत में लगे रहते हैं। ताराचंडी देवी स्थान का नवरात्रि में विशेष महत्व होता है, इसलिए इस नवरात्रि एक बार यहाँ पूजा अर्चना के लिए जरूर जाएं। लोग इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने भी यहीं आकर देवी की आराधना की थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से खुशबू की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।